सभी का सिलसिला बाजारों का मैं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ यहाँ पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, जानेंगे कि कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और आने वाला कारोबारी सप्ताह कम्युनिटी बाजार के लिए कैसा रह सकता है। रूपा जी, हमने कपास पर काफी फैसले आते हुए देखे हैं हाल ही में। कपास में हमने देखा है कि एडिशनल मार्जिन लगाया गया है, एक्सपोर्ट्स में डाउनफॉल देखने को मिला है क्योंकि प्रीमियम की ज़्यादा डिमांड करी जा रही थी एक्सचेंजेस पर, और दूसरा अब जो किसान हैं वो भी थोड़ा कॉटन को होल्ड करना चाह रहे हैं और होल्ड करके चल भी रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, एक तरफ किसानों के द्वारा कॉटन को होल्ड करना, एक्सचेंजेस पर कपास वायदा और बिनौला खल के वायदा को बंद करने की मांग उठना और कॉटन के एक्सपोर्ट में गिरावट आना और एडिशनल मार्जिन का बढ़ जाना, इन सब के मद्देनजर आपको क्या लगता है, क्या कॉटन की कीमतों पर आगे चल के कुछ दबाव बनेगा या फिर कॉटन की कीमतों में उछाल ही देखने को मिलता रहेगा आगे भी? देखिए, अभी रैली जो है कॉटन में वो पॉजिटिव है अखिलेश, आगे चलकर दबाव जरूर बन सकता है क्योंकि अभी हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जो है कॉटन की जब अराइवल्स आने से स्टार्ट हो जाएंगे और अभी जो है जो प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं कॉटन के वो लगातार अपसाइड मोमेंटम में है और जिस तरीके से मंडियों में हमने देखा है माल बिकता हुआ और अच्छी क्वालिटी की कॉटन की जो प्राइसेस हमने देखे हैं और अभी जो है छुटमुट गिरावट जरूर बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर सिनेरियो की बात करें, फंडामेंटल देखें तो इस कमोडिटी का फंडामेंटल अभी भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन आप मान के चलिए कि अभी मुझे लगता है कि 10 से 15 दिन तक और अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है, उसके बाद बाजारों में एक डाउनसाइड बनता हुआ दिखाई दे सकता है। वायदा में जरूर ऊपरी स्तरों से बाजार लुढ़के हैं लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। अभी एक्सपेक्टेड है कि 35,500 से लेकर 35,600 तक एक बार बाजार ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सरूपा जी, बात करेंगे कैसे सीड की, तो कैसे सीड का जनवरी वायदा देख रहे हैं हम 6218 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीड में अचानक से उछाल देखने को मिला है, आपको क्या लगता है कैसे में जो तेजी बनती नजर आई है अचानक से ऐसा क्यों देखने को मिला है, जो क्योंकि हम देख रहे थे कि कैसे सीड काफी दिनों से 5,900 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा था और पिछले एक से दो ट्रेडिंग सेशंस में देख रहे हैं कि लगभग 200 से 300 पॉइंट की तेजी अचानक से देखने को मिली है। देखिए, कैसेट में अभी जो तेजी है ये कंटिन्यूशन में बनी रह सकती है और ऊपर में 6500 तक का स्तर बनता हुआ दिखाई दे रहा है अखिलेश, और जनवरी वायदा नहीं फरवरी वायदा की बात करें तो 6500 तक का ऊपरी स्तर फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें मुझे लगता है कि 6500 तक का स्तर आ सकते हैं और इसमें बाइंग में ही रहना चाहिए। लगातार हम यही बोल रहे हैं कि 6000 के ऊपर जब भी मार्केट सस्टेन करेगा तो एक लंबी तेजी जा सकता है और अभी फिलहाल 6500 के स्तर कैसेट में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, इनसे बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने लगभग 2 ट्रेडिंग सेशन पहले देखा था कि 3396 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, हालांकि 3400 का लेवल फिर से वहां पर टच होते होते रह गया था, लेकिन हम 3400 का लेवल टच होते हुए देख चुके हैं बिनौला खल के जनवरी वायदे में, लेकिन सस्टेनेबिलिटी वहां पर नहीं देखने को मिली थी। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी 3300 के ऊपर ही ट्रेड देखने को मिलता रहेगा या फिर 3400 के ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे? आज बाजारों में हल्की करेक्शन जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 3400 से लेकर 3500 अभी भी बिनौला खल में लेवल इंटैक्ट है, नीचे में 3280 तक लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है और वहीं अगर जनवरी वायदा को छोड़ दे तो फरवरी वायदा में भी 3280 के आसपास ही सपोर्ट है नीचे में, वहां से अगेन बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है जो कि ऊपर में 6500 तक जा सकती है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर मसालों की, तो मसाल में देख रहे हैं कि लेवल्स तो ठीक ठाक है लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी सी कमी देखने को मिली है, जहाँ पे हमने धनिया को 9,800 तक जाते देखा था आज 9,600 पर है, जहाँ पे जीरे को 17,800 तक जाते देखा था 17,400 पर है और हल्दी में भी गिरावट देखने को मिली है पहले के मुकाबले, हालांकि लेवल्स ठीक ठाक ही हैं ये वाले भी, लेकिन जो हमने 2 ट्रेडिंग सेशंस पहले देखे थे अच्छी तेजी जो बनी थी अब वो देखने को नहीं मिल रही है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनी है। आपको क्या लगता है कि आने वाले कारोबारी सप्ताह में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी गहराएगी और फिर अच्छी तेजी आएगी या फिर ये जो तेजी है ये कंटिन्यूएशन में रहेगी? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग हल्की फुल्की जरूर बन सकती है क्योंकि लगातार बाजार तेजी में आता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट बुकिंग फिलहाल बनती हुई दिखाई देगी। धनिया की बात करें तो अखिलेश, एक्सपायरी के बाद मेरे को लगता है कि मार्केट में तेजी बनती हुई दिखाई देगी और आप देखिए अभी भी पॉजिटिव है मार्केट, तो 10,800 अप्रैल वायदा में 10,800 से 11,000 का स्तर अप्रैल वायदा में देखने को मिल सकता है। जी, ये सर जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम का जनवरी वायदा देख रहे हैं 11,800 के ऊपर है,
ग्वार सीड का जन्म विवाद देख रहे हैं 6400 के ऊपर। रूपा जी देख रहे हैं कि ग्वार के अंदर अचानक से उछाल देखने को मिला है, चाहे ग्वार गम हो चाहे ग्वार सीड हो। हम पहले देख रहे थे कि एक रेंज देखने को मिली थी कि 11,100 11,200 के ऊपर नहीं देखने को मिल रहा था और नीचे में 10,800 तक जाता हुआ नजर आ रहा था, कभी मंदी तो कभी तेजी देखने को मिलती थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पर बीते 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से ग्वार गम और ग्वार सीड में सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार गम और ग्वार सीड आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ पाएंगे या फिर वहां पे एक करेक्शन बन जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी? देखिए, करेक्शन तो अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं एक्सपेक्टेड है ग्वार के अंदर, क्योंकि बाजार काफी टेक्निकली भी काफी स्ट्रॉन्ग है और हाजिर मंडियों में भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन स्तरों पर अगर मांग ऐसे ही निकलती रही तो बाजार वापस से तेजी की तरफ जाएंगे। अब डिमांड के ऊपर सारा अहम रोल प्ले होगा, अगर इन ऊपरी स्तरों पर भी मांग निकलेगी तो फिर प्राइजेस और ज्यादा बूस्टअप हो सकते हैं और अगले हफ्ते में भी, इनफैक्ट अगले हफ्ते क्या अगले, मुझे लगता है कि 15 दिन तक बाजारों में कॉन्टिन्यूशन में तेजी बनी रह सकती है, छुटमुट करेक्शन और उसके बाद बाइंग अगेन इनिशिएट होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का अभी काफी डिस्टर्ब चल रहा है। जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही है कि इस बार ग्वार का प्रोडक्शन कम है तो उसके चलते फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा क्रूड में भी तेजी है, वहां से भी सपोर्ट आता हुआ मार्केट में दिखाई दे रहा है। जी, यहीं से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देख रहे हैं कि सोयाबीन 6400 का लेवल दिखाने के बाद अब 6200 पर ट्रेड करती नजर आ रही है NCDX पर। यहीं से बात करें अगर US सोयाबीन की, तो US सोयाबीन में भी देख रहे हैं कि आज गिरावट देखने को मिल रही है और इस समय US सोयाबीन 1365 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, $1,365 पर लगभग 0.25% की गिरावट के साथ। रूपा जी देख रहे हैं कि सोयाबीन में आज विदेशों के अंदर, विदेश के साथ साथ देश के घरेलू में भी गिरावट बनती नजर आ रही है, आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन में अभी कुछ तेजी और बनती नजर आएगी या फिर इसी रेंज में रहेगी? देखिए, सोयाबीन की लाल रेंज बाउंड ही है अखिलेश, मैंने पहले भी बताया था कि इसमें बहुत ज्यादा तेजी की तरफ मार्केट नहीं है। अगर तेजी आती भी तो 6500 तक का तेजी का अनुमान है, 6500 और नीचे में 6000, फिलहाल यही रेंज है और इसी रेंज में घूमता हुआ मार्केट दिखाई देगा। 6300 के भी ऊपर इनफैक्ट हमने देखा 6450 तक गया मार्केट, लेकिन वहां से वापसी की और फिर नीचे में 6200 के आसपास है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि इसी रेंज में बाजार घूमता हुआ दिखाई देगा, या से ना तो बहुत ज्यादा अभी तेजी बनती दिखाई दे रही है और ना ही बहुत ज्यादा मंदी। जी रूपा जी, दर्शक हैं सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल जीरे को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि जीरा फिजिकल बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक करना चाहिए क्या? देखिए, जीरा कर सकते हैं क्योंकि डिमांड जो है अभी फिलहाल निकल रही है, लेकिन अभी लेवल्स काफी ऊपर आ चुके हैं और अगर आप मार्च वायदा की बात करें तो ऑलरेडी 18,000 के ऊपर है, थोड़ी सी करेक्शन आने दे, वहां पर करेक्शन में आप बाय करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं महेंद्र सिंह पवार जी, जिनका सवाल लहसुन को लेकर आ रहा है। इनका सवाल है कि क्या इस साल लहसुन का भाव आगे अच्छा आ सकता है या नहीं? देखिए, अभी तक जो सिनेरियो है उसके हिसाब से तो फिलहाल नहीं लगता कि कोई लहसुन में तेजी बनती हुई आगे दिखाई देगी। जी, तो यानी कि जिस हिसाब से अभी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं लहसुन को लेकर, कि लहसुन की आवकें जोरदार बनी हुई है मंडियों के अंदर, हालांकि बारिश भी बनती नजर आई है, बारिश भी होती नजर आई है, जिसकी वजह से लहसुन की जो फसल है उस पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ा है, लहसुन की फसल भी खराब हुई है। दूसरा, किसानों ने जो अपना लहसुन स्टॉक कर रखा था उसमें भी थोड़ी थोड़ी नमी आ सकती है, वो भी थोड़ा सड़ सकता है, गल सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि मंडियों में जो आवकें हैं लहसुन की थोड़ी कम हो जाए, और जैसे भी बारिश है तो बारिश में भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लहसुन की थोड़ी मंडियों में कमी देखने को मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कमी ही देखने को मिले, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो होगा तो हो सकता है कि लहसुन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तेजी बन जाए, छुटमुट तेजी बन जाए, लेकिन बड़ी तेजी अभी लहसुन में बनती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इस समय इस बार लहसुन का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा बताया, क्योंकि इस बार लहसुन का उत्पादन अच्छा देखने को मिला है और किसानों ने भी अच्छी कीमतों के चलते अपने लहसुन को स्टॉक करके रख लिया था, लेकिन अब जब कीमत नहीं मिल रही है तो किसान अपना अचानक से लहसुन ले लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मंडियों में आवकें जोर पकड़ी हुई है और अब नया लहसुन भी मंडियों में आ चुका है, जिसकी वजह से जो दाम है वो अभी कम देखने को मिल रहे हैं। रूपा जी, मनीष पटीदार जी जुड़े हुए हैं, जिनका सवाल धनिए को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि क्या धनिए को स्टॉक करके चलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल करेक्शन आए तो वहां पर आप स्टॉक कर सकते हैं, धनिए में हमें लग रहा है कि अभी फिलहाल तेजी बन सकती है।
जी रूपा जी, दर्शक हैं किरण कुमार डोंगरे जी, जिनका सवाल नरमा कपास को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि नरमा को अभी निकालना उचित रहेगा क्या? देखिए बिल्कुल निकालना चाहिए, अभी कुछ एक माल को आपको निकाल देना चाहिए और कुछ आप होल्ड कभी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर निकालने में भी समझदारी होगी क्योंकि अभी प्रॉफिट जो है यहाँ पर भी अच्छा खासा आता हुआ दिखाई दे रहा है, छुटमुट तेजी और बन सकती है लेकिन इससे ज्यादा तेजी नहीं है। जी रूपा जी, दर्शक हैं धीरज जी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, ये चने के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी देख रहे हैं कि चना एमएसपी से तो कहीं पे एमएसपी से नीचे है, कहीं पे एमएसपी से लगभग बराबर ही है, लेकिन ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बात करें अगर रिटेल की, तो रिटेल में चना 100 या 100 के ऊपर ही है, ऐसे में आपको क्या लगता है? क्योंकि हमने देखा है कि इस बार जो पाला पड़ा है और ओले की वाली बरसात हुई है, उसकी वजह से चने की फसल पर भी प्रभाव पड़ा है और अब चने की नई फसल भी मंडियों में आ जाएगी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या अगर चने का उत्पादन प्रभावित होता है तो क्या चने की कीमतों में कुछ तेजी मंदी नजर आ सकती है? फिलहाल तो कोई सिनेरियो ऐसा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा जिसके चलते चने में तेजी बनती हुई दिखाई दे, क्योंकि दालों में अभी फिलहाल मुझे लगता है कि प्रेशर ही बना रहेगा और आगे चलकर भी दालों के अंदर दबाव है। हाजिर के अंदर देखिए अब जो रिटेल है, रिटेल में बहुत ज्यादा प्राइजेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन होलसेल के अंदर देखा जाए तो कोई बहुत ज्यादा अभी मूवमेंट भी नहीं है जिसकी वजह से कोई बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे, तो आगे चल के मुझे लगता है कि इसमें दबाव ही बना रह सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी, आज आप हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, जिसमें आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। देखिए मुझे लगता है कि कैस्टर सीड और बिनोला खली ये ही दो कमोडिटी ऐसी हैं जिनमें आगे भी तेजी बनी रह सकती है और साथ में ग्वार के अंदर भी आप बाइंग में रह सकते हैं, तो ये 3-4 कमोडिटीज हैं जिनके अंदर आगे चलकर अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार किस भाव पर खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ रही है और इस पर रूपा जी की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं भी केवल इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट एमसीबी पर।